हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हम काइन मास्टर की मदद से एजुकेशनल वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में काइन मास्टर इंस्टॉल करना होगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से काइन मास्टर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आपके सामने ओपन करूँगा। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ये थोड़ी देर में ओपन होने वाला है। ये हमको इसका मेन होम पेज मिल जाता है इस तरीके से। इस पर तीन आइकन दिख रहे हैं आपको, मुझे इस बीच वाले पर क्लिक करना है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद में ये वीडियो का रेशियो दिखाई देगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर 16:9 का रेशियो चूज कर लूँगा। ये मैंने कर लिया है। उसके बाद हमें इसका वर्किंग एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक मीडिया का है, लेयर का है, ऑडियो का है, वॉइस का है, और ये बीच में हमको दिख रही है टाइमलाइन। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें यहाँ से परफेक्ट वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, किस तरीके से एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा मीडिया पर क्लिक। ये मैंने मीडिया पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर लूँगा। तो मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और ये हमारे सामने कई सारे बैकग्राउंड खुल करके आ जाएंगे। तो हम बना रहे हैं एजुकेशनल वीडियो, तो इसलिए हम यहाँ से वाइट बैकग्राउंड चूज कर लेंगे। ये मैंने वाइट बैकग्राउंड चूज कर लिया है और इधर कोने में, कॉर्नर में मैंने क्लिक कर दिया, ये क्लिक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड हमने चूज किया था, इसको हम टाइमलाइन के पीछे ले आएंगे। ये मैंने इसको पीछे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल करके आ गए हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा लेयर में। ये मैंने लेयर पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर चार पाँच ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, हैंड राइटिंग का, टेक्स्ट का, ओवरले का, इफेक्ट का और मीडिया का। तो हमें क्वेश्चन लिखना है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और या फिर कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ये मैंने ओके कर दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। इसका हम कलर चूज कर लेंगे यहाँ से। मुझे ब्लैक कलर चूज करना है, मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया है। और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये सेट कर दिया है मैंने, ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने बड़ा कर दिया। इसको कर लेंगे हम तकरीबन 10 सेकंड का। और फिर ये पीली वाली जो आपको लाइन दिख रही है, इसको भी हम इसी के बराबर कर लेंगे, ताकि हमारा बैक क्वेश्चन है वो बैकग्राउंड के साथ चले। तो यहाँ पर ये हो गया है, ये 10 सेकंड का वीडियो आपका बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्वेश्चन लिख गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये वॉइस का ऑप्शन है, यहाँ पर हम आवाज़ भी दे सकते हैं। और लेयर में जाएंगे, यहाँ से हम हैंड राइटिंग को चूज कर लेंगे और इसका जो सही आंसर है उसको भी हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, हैंड राइटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर मैंने ये टिक कर दिया है। तो इस तरीके से आप इतना सीख गए होंगे। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। तो इसको मैं 10 के, अब इसको कर लूँगा मैं 20 सेकंड का। ये मैंने 20 का कर लिया। अब ये जो टाइम लाइन दिख रही है, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के थोड़ा 1-2 सेकंड पीछे लगाएंगे यहाँ पर। ये मैंने लगा दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से लेयर में जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था, उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और मैं यहाँ से फिर ब्लैक चूज कर लूँगा कलर। और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ये इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। ये सेट हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये जो पीली वाली लाइन है, इसको भी हम बैकग्राउंड के बराबर यहाँ से इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लाइन को यहाँ पर रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे सही पर। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमें इसमें हैंड राइटिंग लगाना है। सो तो फिर हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और हैंड राइटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सही वाले पर टिक कर देंगे। ये हो गया हमारा वीडियो। तो ये 20 सेकंड का वीडियो बन करके तैयार हो चुका है। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आप लोग देखना, वीडियो एकदम बन करके तैयार है। ये 20 सेकंड का वीडियो है, वो स्टार्ट हो चुका है।
और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से। ये पहला हो गया, अब ये दूसरा हो गया। मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लिखे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आप अलग क्वेश्चन लिख सकते हैं, कितने भी यहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हो, कितना भी बड़ा वीडियो बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।